रही है मुझे आज सारी सजा। नवाब ज्यादा सरकार से आपकी बेवफाई को मैं हंसकर कबूल कर लूंगा तो ये आपकी भूल है सुरैया बेगम। मैं तो आंखें फेरने का शिकवा लेकर आई थी और तुम मुंह फेर रहे हो। पगली मोहब्बत में हाथ से ज्यादा नाम में मजा आता है। मुझे नहीं है तुझसे मोहब्बत। 1960 और 70 की दिहाइयों में सिनेमा जाने वाले फिल्म इंडस्ट्री के तस्वुर को वहीद मुराद के जिक्र के बगैर नामुकम्मल समझते हैं और बेशतर नाकदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये दो दिहाइयां इस बात सलाहियत अदाकार की गैर मामूली सहर अंगेजी का दौर है। साठ की दिहाई में किसी नए अदाकार के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना जुए शीर लाने से कम ना था, खास तौर पर किसी मर्द अदाकार के लिए। पाकिस्तान की फिल्मी सनत का आसमान कई रोशन सितारों से टिमटिमा रहा था। संतोष कुमार उस दौर में वजाहत और हुस्न की अलामत समझे जाते थे। उस इजहार मोहब्बत का शुक्रिया जो भी आप कर रही। जज्बात के इजहार और आंखों की खूबसूरती ने दर्पण की अदाकारी को चार चांद लगा रखे थे। सुधीर की शोहरत आसमान को छू रही थी। कराची के फिल्म स्टूडियोज को देख के गोया बासलाहियत अदाकारों के एक मेले का गुमा होता था। तुम्हारी एक हाथ तुम्हारे भूखे बच्चों को मौत से बचा सकती है। हबीब और अकमल जैसे बासलाहियत फनकार खुद को मनवा रहे थे। झूठी बातों को सच मानकर हाँ में हाँ न मिलाता तो औरों की सेवा ही करती है। फिर दिलीप कुमार और राज कपूर को सरहद के इस जाने भी पूजा जा रहा था। इस आलम में किसी नौवारिद का मंजरे आम पर आना तो कोई ताज्जुब की बात ना होती, लेकिन आकर इस सारे शहर को तोड़ डालना एक गैर मामूली सी बात लगती थी। उस वक्त किसी को ये मालूम ना था कि वहीद मुराद नामी ये खूबसूरत शख्स इस सारे तिलिस्म को तोड़कर फिल्म बीनों के दिलों में राज करने वाला है। मैं समझती हूँ कि अभी तक कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जो उनका नेमल बदल हो। पर्सनैलिटी ऐसी थी और उनकी लुक्स ऐसी थी कि उनको हर कोई चाहता था। कभी कभी खुशी गम भी बन जाती है। मुझे तुम्हारा गम भी है जिनसे सीने से लगा के रखूंगा। जी हाँ, बातें बनाना कोई आपसे और बातों से बहलाना आपसे। वही साहब ऐसे साहिब तर्ज हीरो थे कि उन्होंने आने के बाद अपना एक स्टाइल दिया। बहुत ही अच्छा बोलने वाले, बहुत खूबसूरती से काम करने वाले, बड़ी बारीकियों को समझने वाले। सिंसियर, पंक्चुअलिटी और पूरी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना। वो सन 1938 में कराची में पैदा हुए। वालिद निसार मुराद सियालकोट के एक मुतमव्वल घराने से ताल्लुक रखते थे। 1969 में शायद ही कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहां से उन्होंने किताबें हासिल ना की हों। उनके शेल्व्स में अक्सर अंग्रेजी अदब के अलावा आर्ट, इल्म नफ्सियात और फलसफे से मुतालिक लिटरेचर पाया जाता था। मेरे ससुर सियालकोट के थे। पहले तो इंडिया की फिल्में आती थी, इंडिया की फिल्में तो वो यहाँ रिलीज़ होती थी, तो बी आर चोपड़ा और मेरे ससुर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो जो बी आर चोपड़ा जो फिल्में भेजते थे, मेरे ससुर यहाँ पाकिस्तान में इसको रिलीज़ करते थे। क्रिकेट का शौक जुनून की हद तक था। अगर अदाकार नहीं होते मेरे ख्याल से क्रिकेटर होते, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। शाम को जिस दिन शूटिंग नहीं होती थी तो मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे हमारे लॉन में। मुझे पता था कि वही साहब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, तो वही साहब आए और जो टाइम मैंने दिया था उससे 10 मिनट पहले आए वो, तो वहाँ आए, वो मैच उन्होंने खेला, फिर हमने उस टीम को रेगुलराइज किया। वही साहब बैट्समैन थे और बड़े अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन थे। अदाकारी और क्रिकेट के बाद अगर उन्हें कोई शौक था तो वो था खाने पीने का शौक। लॉबस्टर था मेरा, वो बहुत शौक से खाते थे। जब मैं कराची आती थी तो लॉबस्टर यहाँ से ले जाती थी, फिर वहाँ जाके पकाती थी, क्योंकि लॉबस्टर झींगे लाहौर में मिलते ही नहीं थे उस वक्त। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो मैं सुबह एक टोस्ट खा के आता हूँ, तो काइंडली आप 1 बजे लंच ब्रेक कर दिया करें। लेकिन भाई साहब कोई डाइटिंग नहीं करते थे।
जब वो खाना खाते थे तो हमारे हम साथ खाते थे खाना, तो इतने चावल प्लेट में होते थे और वो चावल खूब खाते थे। वालिद निसार मुराद साहब का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुताल्लिक कारोबार दिन ब दिन फैलता जा रहा था। उनकी ख्वाहिश थी कि वहीद कारोबार में उनका हाथ बटाएं। क्योंकि वहीद कराची में ज़ेरे तालीम थे और वालिद का कयाम लाहौर में था, इसलिए यूं भी हुआ कि वहीद ने सुबह की फ्लाइट से कराची आकर इम्तिहान दिया और शाम तक वापस लाहौर चले गए। उनके वालिद चाह रहे थे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन दफ्तर संभाले, मगर वहीद का इंटरेस्ट नहीं था 9 to 5 जॉब में। उनको ज्यादा क्रिएटिव साइड पे शौक था कि म्यूजिक है, डायरेक्शन है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि वहीद मुराद एक्टिंग में भी आएंगे। तबीयत में बड़ा खलंडर था, बड़ा जॉली था। कुछ अरसा रेडियो के लिए बतौर अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर भी काम किया। मेरी पहली मुलाकात, हम लोग स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, इंग्लिश का एक प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान पे, तो हम लोग वहाँ, मैं और वहीद दोनों स्कूल ब्रॉडकास्ट इंग्लिश में हम वो प्रोग्राम करते थे। फिर एक बड़े अदाकार के बनने का अमल शुरू होता है। बराहे रास्त फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक ना होने के बावजूद वहीद ने फिल्म साजी में किस्मत आजमाने का फैसला किया। बहैसियत प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म इंसान बदलता है सन 1961 में रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त तक कोई उनका जलवा ना देख पाया था। आखिरकार सन 1962 में उन्हें पर्दे सीमी पर पहली बार देखा गया। ये फिल्म थी औलाद। बेदार इनकलाबी साहब ने जो कुछ कहा है लफ्ज़ पर लफ्ज़ सही है। हिदायतकार एसएम यूसुफ की इस फिल्म में वहीद बतौर मावन अदाकार जलवा फरोज हुए। शोहरत की देवी के मेहरबान होने में अब भी कुछ वक्त दरकार था, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक एक साल बाद उन्होंने उस वक्त की मशहूर जोड़ी सबिया और संतोष के साथ फिल्म दामन में काम किया और उनकी अदाकारी में कुदरती बेसाख्तगी कई फिल्म बीनों को दीवाना कर गई। बहुत पसंद, लाइक कर दी लड़कियां उन्हें, इसीलिए तो उनका नाम लड़कियों ने तो रखा था चॉकलेट हीरो। अब भी उनके पुराने लगा के गीत सुनते हैं सब। तुम जैसा तो अब कोई हीरो पैदा ही नहीं हो सकता है। बड़े मगरूर से थे वो, नहीं थी लिफ्ट कराते थे, मगर सब ना लड़कियों का रश लगा रहता था जहाँ भी। हीरा और पत्थर की तैयारी के जवाब पैदा हुए। जबरदस्त कामयाबी और निगार अवार्ड हासिल कर लेने के बाद अगले 20 सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में वहीद मुराद की नागुजीर हैसियत का फैसला हो चुका था। फिल्म के इस गीत को बार बार रिवाइंड करके शहरे कराची की माई कोलाची रोड टावर नेटी जेटी फेयर हॉल और अब्दुल्ला हारून रोड को पहचानने की कोशिश करना गोया एक अच्छा भला मशगला है। एक तो मुझे वो हीरा पत्थर, अरमान एंड एहसान, ये तीन फिल्में मुझे बहुत इनकी अच्छी लगी। इत्तेफाक है कि यही साल उनकी शादी का साल भी साबित हुआ। मुश्किल है जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। मैं क्लासिकल डांस सीख रही थी घनश्याम के पास, तो जब स्टेज पे थी तो मुझे वही नजर आए कि वो गेट के पास खड़े होके ना उन्होंने यू, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद आए, कहने लगे आप जरा बाहर आ सकती। मैंने कहा क्यों, मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा अब तो नहीं आ सकती, अभी ये इसके बाद 2-3 परफॉर्मेंसेस और हैं, उसके बाद वो खड़े हो गए वहाँ। तो जब परफॉर्मेंस हुई तो मैं गई, मैंने कहा क्या बात हुई, मम्मी से लड़ाई हो गई। चुप, गाड़ी में आप बैठे। गाड़ी में बैठी हूँ तो तेज उन्होंने चलाए, बातचीत कोई नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या भाई, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुए, कुछ नहीं। वहाँ क्लिफ्ट में जाके गाड़ी रोक ली तो मुझे कहते हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ मी। आई सेड नो वे। तो चुप, ज़्यादा बात नहीं की। फिर कहने लगा अच्छा आप सोच के मुझे बताएं, और मुझे सीधा वहाँ ले आए
मुझे बात ड्रॉप कर दिया। प्यार मिल जाए तो हर बात हंसी लगती है, प्यार मिल जाए तो। शादी कहीं और होने वाली थी, मेरी शादी कहीं और होने वाली थी, मगर पता नहीं अल्लाह को मंजूर था तो मेरी शादी इनके साथ हो गई। उन्हें अपने खानदान से बहुत लगाव था, खास तौर पर अपनी लाडली बेटी आलिया से। I was 13 when he died, तो उससे पहले का जो भी वक्त है मुझे अच्छी तरह याद है। पूरा वीक तो वो बिजी थे, मगर वीकेंड्स पे जरूर हमें लेके जाना, मुझे घुमाना फिराना, हर फरमाइश पूरी करनी। कभी साइकिलिंग पे ले गए, कभी गाड़ी में ऐसे घुमाने ले गए, उन्होंने काफी टाइम हमें दिया। रात को आते थे, सबसे पहले बच्चों के कमरे में जाए, अगर सर्दी हो तो उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल के या उनको प्यार करके, और फिर अपने कमरे में आते थे। फिर यूं लगा जैसे कामयाबी उनका मुकद्दर बन चुकी है, पर इस सारों में उनकी शोहरत और मोहब्बत की इंतहा किसी अफसाना निगार की लिखी हुई बात मालूम होती थी। बर्रे सगीर का शायद ही कोई अदाकार हो जिसका हेयर स्टाइल इस दीवानगी की हद तक मकबूल हुआ हो। उस दौर के अच्छे बुरे हर सैलून में वहीद कट के चर्चे थे। हेयर स्टाइल दिलीप साहब का कहलाता था, जो बड़ा मशहूर था, दिलीप कट। और ये वहीद मुराद के आने के बाद एक चीज ये चली कि वहीद कट। वो इरा ही था ऐसा, लंबे साइड बंस रखने का, पफ्ड हेयर बनाने का, एल्विस प्रेस्ली से इंस्पायर होने का। वो उस टाइम पे था जब यू नो द टेडी लुक वाज अ वेरी कॉमन लुक। जो लाइकिंग थी, जो क्रेज था उस दौर की लड़कियों में और लोगों में उनके हेयर स्टाइल का, उनकी ड्रेसिंग का, उनके उनके रोमांटिक स्टाइल का, दैट वाज मार्वेलस। देखिए, मुझे आपसे इंतहाई जरूरी और ज़ाती किस्म की बातें करनी है। आवाज, अदायगी, लबो लहजा, चाल ढाल, उनकी शख्सियत में शायद ही कोई बात हो जो गैर मामूली ना हो। खवातीन में उनकी मकबूलियत नाकाबिले बयान थी। कराची के सिग्नल्स पर ट्रैफिक जैम्स हों या लाहौर की मार्केट्स में भगदड़, चॉकलेट हीरो कहलाया जाने वाला ये खुबरू अदाकार गोया अब दिलों की धड़कनों के साथ साथ अमन आमा की सूरत हाल की वजह भी बन गया था। उन्हें एक बार पैगाम मिला कि वो अपने बच्चों को लेने स्कूल ना आया करें, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये पैगाम बच्चों के स्कूल की इंतजामिया की जानिब से उन्हें भेजा गया था। स्कूल में एक दो दफा मुझे याद है कि वो मुझे जो है लेने आए और वहाँ इस कदर ट्रैफिक जाम हुआ, और यानी समझे 500 गाड़ियाँ जो थीं वो बंद थीं और कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी में नहीं था, कोई लेडी अपनी गाड़ी में नहीं थी, कोई बच्चा अपनी जगह पे नहीं था। तो वो फिर नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया ऑफिस में और कहा गया, नानज ने मुझे कहा कि भाई आप प्लीज़ अपने फादर को कहिएगा कि आइंदा आपको लेने स्कूल मत आए। मरी में ये शूटिंग कर रहे थे। जब मैं जैसे मैं बड़ा हो रहा था, वो जब मेरे बाल भी थे, मैंने भी उनकी तरह बाल बनाया करता था 60s और 70s में, यू नो, वो एक पफ लुक और बड़े कलमों का एक लुक था। वो हम एक दफा बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे लाहौर से कराची, और वहाँ तब ये हुआ कि हम यहाँ सिंध की कोई जगह थी, मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, सखर के करीब कोई था, तो वहाँ हम रुके रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ इतना लोगों का हजूम था कि हम वहाँ, हमें रात गुजारनी पड़ी क्योंकि लोग जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ रुके, आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। कराची से उनकी वाबस्तगी के निशान आज भी जा बजा मिलते हैं। एक ज़माने में कराची की सड़क पर जगह जगह सिनेमा वाके थे, लेकिन आज भी एक दीवाना बरसों से इन खूबसूरत दिनों की यादें सीने से लगाए आज भी यहाँ रिहाइश पजीर है। प्यार तो इतना है वही साहब से कि जब उनकी चीज़ें जमा करना शुरू करी तो लोग अक्सर में सवाल करते थे कि आप वहीद मुराद के पीछे इतना भाग रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपको हासिल क्या होगा। तो मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ कि एक मोहब्बत,
उस आर्टिस्ट से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उनकी चीज़ों को अपने पास महफूज करना, क्योंकि अब हमारे पास वही साथ की यादें हैं। बेपनाह शोहरत और कुछ मिलते जुलते हालात की वजह से कुछ लोग वहीद मुराद का मगरबी गुलूकार एल्विस थोड़ी बहुत आती थी बालों में ग्रीस के साथ उनको स्टाइल किया जाता था। सो आई मीन इट वो एक पूरा एक एरा था। आई मीन आप कह सकते हैं कि वो हमारे ईस्टर्न एल्विस प्रेस्ली रहे हैं, मगर आई थिंक वो उनका अपना एक वो उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन थी। 1965 में वहीद की फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक मसरूफियात बढ़ चुकी थी। वो खुद अपनी फिल्म साज कंपनी बनाने पर गौर कर रहे थे। इसी साल हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म कनीज रिलीज हुई। '66 में आखिरकार वहीद ने अपनी जाती कंपनी फिल्म आर्ट्स की बुनियाद डाली। फिल्म आर्ट्स के बैनर तले इसी साल फिल्म अरमान रिलीज हुई। इस फिल्म का रिलीज होना था गोया मुल्क भर के मूवी थिएटर्स में भौंचाल आ गया। हुजूम था कि थमने का नाम ना लेता था। ऐसा लगता था जैसे अगर कोई ये फिल्म ना देख सका तो बदकिस्मत कहलाएगा। अरमान तो पूरी फिल्म एक गाने पर कंसीव की गई है और वो था अकेले न जाना। वो मैंने दोराहा के लिए बनाया और वहीद ने सिर्फ मेरी आवाज़ पे सुना, कहा गाना मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं वहीद, ये दोराहा के लिए। वहीद ने एक बात कही जो कि बड़ी दिलचस्प थी, मिस्टर राणा इज दिस द एंड ऑफ योर क्रिएटिविटी? मैंने कहा नहीं, कहले फिर तुम अपने लिए और बना लेना। अरमान की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कामयाबी, ना वहीद सोच सकते थे कि उस फिल्म की इतनी कामयाबी होगी। खास तौर पे जो गाना जो अकेले ने जाना, खूबसूरत गाना, बोल अच्छे, इनके म्यूज़िक अच्छा, और ये तीनों ने मिलके, मुझे याद है मेरे घर में ये गाना इजाद हुआ है। पाकिस्तान की ये पहली प्लैटिनम जुबली मौसीकार सुहेल राणा की भी पहली फिल्म थी। वो इसकी मौसीकी की तैयारी को अपनी जिंदगी का एक यादगार वाक्या करार देते हैं। दूसरों ने तो मुझे एक रास्ता दिखाया कि यहाँ पर भी तुम चल सकते हो और हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वहीद ने कहा नहीं, ये मेरी उंगलियां पकड़ो और मैं और वो साथ साथ हो लिए। सन 1967 में वहीद की 7 फिल्में सिनेमा की जीनत बनी और इनमें हदायतकार हसन तारिक की फिल्म देवर भाभी सुपर हिट हुई। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे, तेरी चेर पर भाभी हिट हुर्रे। इसी साल दोराहा रिलीज हुई जिसमें उन्होंने शमीम आरा के साथ काम किया। जिस वक्त मेरा वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था दोराहा का, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो लाहौर में, मैंने वहीद को फ़ोन किया। मैंने कहा वहीद, हम उनको वीदो वीदो कहते थे, वीदो ज़रा एक दो मिनट के लिए ज़रा आजा स्टूडियो में आए। तो अख्तर हुसैन पियानो बजा रहे थे। मैंने कहा इस पियानिस्ट की उंगलियाँ देखो, तुमने इसी तरीके से बजाना है, नो मिस्टेक्स। देखा खड़े रहे 10-15 मिनट तक। उसके बाद आप अगर आपको गाना की पिक्चराइजेशन देखें, बड़े से बड़े हीरो ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कभी भी इतना अच्छा पियानो नहीं बजाया गाना, ऐसा लगता था जैसे वो खुद बजा रहे हो। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। वहीद मुराद का कहना था कि ये वो फिल्म थी जिसके बाद उनकी टीम में टूट फूट वाकई हुई। दोराहा वो फिल्म है जिसने इस टीम को तोड़ा। अरमान और एहसान वो मेरी फिल्में थी। उसके बाद मेरी साथी हैं, तो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जॉइंट हम लोग, हमारी टीम भी थी। इन्होंने सोचा कि जी हम अपनी एक फिल्म क्यों ना बनाए। फिल्म नहीं चली, अब इसे आप लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। 1968 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, उनमें दिल मेरा धड़कन तेरी कामयाब तरीन फिल्म थी। प्यार तो पढ़ेगा निभाना रख दिया। वहीद मुराद को उनके चाहने वालों ने सबसे ज्यादा जेबा के साथ पसंद किया,
लेकिन बाद में शबनम रानी और शमीम आरा के साथ भी उनको बहुत सराहा गया। फिर वो दौर आया जब उनके साथ मकबूल जोड़ी बनाने वाली अदाकाराओं ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। कुछ का ख्याल था कि इन हीरोइंस के शौहर हजरात वहीद मुराद की सहर अंगेजी से खुद को गैर महफूज समझते थे। कभी किसी वजह से कहा कि हम नहीं करेंगे, वो सब अब वो सभी कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रही और अब क्यों कर रही है, ये सवाल शायद आपको उन्हीं से करना चाहिए और मुझसे ये कईयों ने पूछा और मैंने सभी से यही कहा। क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। लेकिन जाहिर है मामला इससे कहीं ज्यादा संजीदा था। कुछ का ख्याल है कि चंद हदायतकारों और फिल्म स्टार्स ने अपनी बेगमात को वहीद के साथ काम ना करने का मशवरा सिर्फ इसलिए दिया था कि उनका ख्याल था कि इस तरह वो वहीद मुराद का फिल्म इंडस्ट्री पर असर और रसूख कम करने में कामयाब हो जाएंगे। में बनने वाली फिल्म अंदलीब में शबनम और सालगिरह में शमीम आरा के साथ भी उनकी जोड़ी मकबूल हुई। फिल्म सालगिरह की एक खास बात यह है कि इसमें वहीद मुराद के बचपन का किरदार सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने अदा किया था। बहैसियत हदायतकार और मुसन्निफ तो वो पहले ही अपना लोहा मनवा चुके थे, लेकिन इसी साल वहीद ने फिल्म इशारा में गुलूकारी करके लोगों को चौंका सा दिया। जैसे तैसे बीत गया दिन, रात बिताऊं कैसे, रात बिताऊं, रात बिताऊं कैसे। ये अपने कैदी दुश्मनों को बदला लेना। कमोबेश इसी दौर में पंजाबी सिनेमा को निस्बतन ज्यादा पजीराई हासिल होना शुरू हो गई। ये बात इब्तिदा में कुछ लोगों के लिए काबिल यकीन ना थी कि चॉकलेट हीरो वहीद मुराद भी पंजाबी फिल्म बनाने या उसमें काम करने का सोच सकते हैं, लेकिन ये सच था। यूं 1971 में उनकी पहली पंजाबी फिल्म मस्ताना माही रिलीज हुई। ये पहली पंजाबी फिल्म थी जिसे उर्दू फिल्म के रसिया अफराद ने भी बहुत शौक से देखा। इसके बाद शायद उर्दू सिनेमा जाने वालों ने पंजाबी सिनेमा का रुख शाज़ो नादिर ही किया। याद है जब मस्ताना माही लग रही थी सिनेमा पे, तो वहीद ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बहरहाल उनसे रहा नहीं गया, तो जब लाइट्स ऑफ हो गई, फिल्म शुरू हो गई, तो आए तो उस वक्त मैडम का वो गाना चल रहा था, सही हो नहीं मेरा माही। और बिलीव यू, जब वो गाना चला, जो छन 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 आवाज़ आई, मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो पता लगा कि वहाँ जब भी लोग खुश होते, कोई ख़ासतौर पर पंजाब में जो गाना अगर कोई अच्छा था, तो वो चवनियाँ फेंकते थे, तो वो पूरा फर्श चवनियाँ से भर गए और वही की आँखों में आंसू। मैंने कहा आप क्यों रो रहे, इतनी तो अप्रिसिएशन गाड़ी में, यानी इस गाने में मिली है, तो वो आंखों में आंसू आ रहे। बड़ा अजीब सा रिएक्शन मैंने वहीद का देखा। मेरा माही पे बड़ी मेहनत की मैंने। लाहौर में म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर बहुत बिजी थे, मैं उन्हें खास तौर पे कराची लाया, होटल में ठहराया, ताकि वो बिल्कुल सुकून से हो और बैठ के मेरे गाने बनाए। सोच को ज़हन में लाने से पहले ही दफन कर दो अंजुमन। कुछ लोगों ने उन पर मगरूर होने का इल्जाम भी लगाया। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा वैसे साहब आप बड़े खामोश रहते हैं, आते रहा हूँ किया, अलग बैठ गए सेट पे, काम खत्म हुआ आप उठ के चले गए, तो लोगों का ये तासुर है कि आप बड़े मगरूर हैं ये वो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था मुझे, उन्होंने कहा यार मैं बनावट नहीं कर सकता, ये मेरी नेचर है।
अब अगर इस नेचर को मैं चेंज करके हर आदमी से जफी डालूं, गले मिलूं, प्यार करूं, ऐसे मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन उन्हें मगरूर कहने वालों ने कभी ये क्यों ना सोचा कि गुरूर इस मुल्क में वहीद मुराद के अलावा भला किस शख्सियत पर जट सकता था। इंतहाई निफासत और आला जराफत का इम्तिजाज वहीद की समाजी शख्सियत का खासा था। हर वक्त मतलब अच्छी गाड़ी, अच्छा ड्रेसिंग, अच्छी खाना वाना अपने घर से आ रहा है और बिल्कुल ऑलवेज हैप्पी पर्सन। फिल्म में मार धाड़ का दौर आता है। इल्म व अदब, नफासत और शाइस्तगी से भरपूर तर्ज जिंदगी पर यकीन रखने वाले वहीद के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना कोई आसान काम ना था। फाइट होती थी, ड्रामेटिक सीन होता था, तो उसमें फिर वो थोड़े अपसेट हो जाते थे। जिस दौर में वहीद साहब आए फिल्म इंडस्ट्री में, रोमांटिक फिल्म्स भी बनती थी, फैमिली ओरिएंटेड भी थी, उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी, एक्शन भी थी। उसके बाद वो सेटअप एकदम चेंज हुआ। एक्शन फिल्मों में प्रोड्यूसर्स की ये राय थी कि जी वहीद साहब सूट नहीं करते। दोस्ती के कदम तक मुराए नहीं थे नवाबजादा सरकार। ये वही दौर था जब सिनेमा में मल्टी हीरो कल्चर फरोग पा रहा था। एक फिल्म में एक से ज्यादा हीरोज कास्ट किए जाने लगे। वही तन्हा और कामयाब परवाज के आदि थे। इस सूरत हाल में उन पर झुंझलाहट तारी होना शुरू हो गई। वहीद वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। उन्हें कैरियर में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। मैं ये कहता हूं कि वो फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठ के आए, कोई स्टूडियो के बाहर गेट पे या लोगों से मिलना जुलना, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, सेट पे गए, काम किया, सेट से बाहर निकले, फिल्म सुपर हिट हुई, सारे मुल्क में छा गए। मेरा खाली ये जो लाड़ और प्यार था ना माँ बाप का, और वो जो एक चीज थी, अकेला बच्चा था तो एक तन्हा औलाद को जो प्यार और जो सारे दुनिया की सारी आसाइशें मिलती हैं, कि कहीं ये चीज़ तो नहीं थी कि जिसने होश संभालते ही हर ख्वाहिश जिसकी पूरी हुई हो और उसकी उरूज पे जाने के बाद ये मकाम जिंदगी में आया हो, तो क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है? जुर्म ना शौक है ना पेशा है। जुर्म करने का हौसला हालात बढ़ाते हैं और जुर्म का इश्तियाल वो लम्हा दिलाता है जो इंसान में नफरत पैदा करके होश हवास छीन लेता। इसके बावजूद लोगों के दिलों में उनकी चाहत कम ना हुई, लेकिन एक खास हलका उनके खिलाफ सरगर्म हो गया। किसकी तहरीर है, मुझे बदनाम किसने किया है? अखबारात में उनके खिलाफ खबरें शाया की गईं और उनको रिटायर होने के मशवरे दिए गए। वहीद मुराद हसास दिल के मालिक थे। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने अपने खिलाफ इन नफ्सियाती हथकंडों का जरूरत से ज्यादा असर लेना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब फिल्म इंडस्ट्री के बिगड़ते हुए हालात को शायद वो खुद अपना जवाब समझने लगे। उसमें इतना कॉम्प्लेक्स क्यों आया? उसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि देखिए बात सुनिए, लाला सुधीर, संतोष कुमार, ये दर्पण, छोटे बहन, ये सब ने सारे बड़े टॉप हीरो थे। देखें आप नदीम को देखें, आप नदीम हीरो से करेक्टर रोल्स में आया, सक्सेसफुल है। मेरी उनसे बहुत बहुत बहसें होती थी कि आप क्यों दूसरों की तरफ नज़र उठा के देखते हैं, आप खुद अपनी फिल्म प्रोड्यूस करें, वो डिफरेंट रोल जो आपको दूसरे नहीं दे रहे वो आप अपने लिए लिखवाएं। मगर पता नहीं क्यों वो कुछ, अब आई नेवर रो के उसमें कुछ घरेलू उलझने थी, क्या था? मेरे कुछ घरेलू हालात थे, मेरे वालिद बहुत बीमार थे जी। 4-6 महीने उनकी बीमारी, फिर वो इंतकाल फरमा गए, उसके बाद मैं खुद बहुत बीमार पड़ गया। दूसरी जानिब उनके एक जाती मुलाजिम पश्तो सिनेमा के स्टार बन चुके थे। फादर साहब इज अ वेरी ग्रेट मैन। फादर साहब हमारे घर में मुलाजिम थे, तो उनको मेरे फादर ने चांस दिया प्रोड्यूसर्स को कह के कि इनको पश्तो फिल्मों में लिया जाए। और माशाल्लाह उनकी किस्मत कह सकते हैं, उनकी अपनी एबिलिटी और टैलेंट भी इतना था कि माशाल्लाह ही वाज द किंग ऑफ पश्तो फिल्म्स। जब ये उलझन या परेशानी आपके शऊर पर गालिब आ जाती है तो आप नामुनासिब हालात में भी वहीद मुराद ने फिल्म किरण और कली में अपनी अदाकारी से मुखालफीन की खुशफहमियों को एक बार फिर मलियामेट कर दिया। मेरा मुशाहिदा कहता है कि वो किसी ज़हनी उलझन का शिकार है। लेकिन अब बहुत से अवामिल उनकी परेशानी का बाइस बनने लगे। फिल्म इंडस्ट्री का खास माहौल और आसपास हर वक्त
अनपढ़ लोगों का हुजूम उनसे बर्दाश्त ना हुआ। फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, बस ये है कि एमए का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कब करेंगे? एमए की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसने पहली जमात भी ना पास की हो ना, वो उसके चांसेस फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा हैं आजकल। लेकिन पेशावराना मुस्तकिल मिजाजी का ये हाल था कि अगले चंद सालों में आने वाली अपनी फिल्मों में उन्होंने इंतहाई साबित कदमी से परफॉर्म किया। फिल्मों का मयार अगरचे वाज़े तौर पर गिरता जा रहा था, लेकिन इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि वहीद ने इन फिल्मों में कम अज कम अपनी अदाकारी का मयार बरकरार रखा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या दुख है? कभी किसी उल्टे सीधे मंजर में या किसी फाइट सीन में गलत मूव करते दिखाई ना दिए, और ना ही कभी कोई गैर मयारी मुकालमा अदा किया। ज्यादा इसकी दाल बगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। ये वो दौर था जब बहुत से लोग फिल्म देखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ वहीद को देखने सिनेमा जाते थे। फिर उन्होंने दोबारा खुद अपनी फिल्म बनाने का इरादा किया। फिल्म का नाम हीरो रखा गया। परसारों को इस फिल्म का शिद्दत से इंतजार रहा, लेकिन इसी दौरान एक हादसे में उन्हें सख्त चोटें आईं। कुछ बातें उनके मद्दाहों के लिए हमेशा मुअम्मा बनी रहीं। उन पर होने वाले एक मुबैना हमले और फिल्म हीरो की अक्सबंदी के दौरान होने वाले हादसे से मुतालिक तफसीलात कभी मंजर आम पर ना आ सकी। देख अख्तर को पता लगा कि वो हॉस्पिटल में है, सर्विस हॉस्पिटल में। हम फौरन वहाँ पहुँचे, सब रूम्स देखे, कहीं पता नहीं लगा। देखते 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 एक जगह मेरी नज़र पड़ी, एक शख्स पट्टियों में लिपटा हुआ, और उसके पास जो लड़का बैठा हुआ था, उसका मुलाजिम, उसका केयर टेकर, उसके हवाले से मैंने उसको पहचाना। तू है जानी जो कल तक चोर। फिल्म के बाकी रह जाने वाले हिस्से में एक दूसरे अदाकार से वहीद का किरदार अदा कराया गया। वहीद की इस आखिरी फिल्म से जुड़ी ये वो तिश्नगी थी जो शायद उनके परसारों के दिलों से कभी खत्म ना हो पाए। कैसे? और जब लोग फिल्म हीरो के रिलीज होने की खबर के मुंतजर थे, उनके दुनिया छोड़ जाने की खबर ने कयामत बर्पा कर दी। मां, जो मैं सोचता हूं कभी कि अगर मैं जब एक्टर नहीं होऊंगा, या हो सकता है मैं रहूंगी दूसरे पार्ट करूं, लेकिन मैं अचानक गायब हो जाऊं दुनिया से, कहीं मत जाऊं, कहीं कुछ हो जाए, तो ये गाना मेरे बाद अगर बजता रहे, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ।